नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे, बनारस रेलवे स्टेशन और स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ किया। थोड़ी देर झाड़ू लगाने के बाद रेलवे के अधिकारी थक गए और उन्होंने विधायक जी से रुक जाने की अपील की, पर विधायक जी कहाँ रुकने वाले थे, एक एक कोने में गए और खोद खोद कर कूड़ा निकाल दिया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी कर्मचारी आपस में बात करते सुने गए कि नहीं मानेंगे विधायक जी, थका मारेंगे सबको। सौरभ श्रीवास्तव ने घंटों झाड़ू और फावड़ा चलाकर परिसर को पूरी तरह से स्वच्छ किया, कूड़ा उठाया, उसके बाद ही अभियान समाप्त किया गया। अभियान के समापन पर सबको संबोधित करते हुए सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया था। स्वच्छता के सीधा संबंध हमारे अच्छे स्वास्थ्य से है, जितनी अधिक स्वच्छता होगी उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, अतः हम सभी को स्वच्छता के लिए सचेत रहना चाहिए। उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि स्वच्छता का यह संदेश अपने अपने मोहल्ले में भी लेकर जाएं। DRM विनीत श्रीवास्तव ने कहा कि हम सब में सबसे अधिक समय तक निरंतर झाड़ू चलाकर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हम सभी को स्वच्छता की प्रेरणा दी है। निश्चित रूप से हम सभी स्वच्छता अभियान को किसी एक स्थान तक सीमित न रखकर अपने अपने मोहल्ले में भी स्वच्छता की अलख जगाएंगे और काशी को पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे। स्वच्छता अभियान के बाद विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ सभी अधिकारियों और उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पौधरोपण भी किया। पौधरोपण के बाद सबने स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए दौड़ भी लगाई। अंत में विधायक ने यात्रियों के बीच झोला वितरण कर उनसे पॉलिथीन का प्रयोग बंद करने की अपील भी की। कार्यक्रम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ थे DRM विनीत श्रीवास्तव, CMS RJ चौधरी, वरिष्ठ DME अपूर्व स्वर्णकार, रजत प्रिय, बालेंद्र पाल, आर्यन सिंह, उग्रसेन सिंह, विवेक मिश्रा, सर्वेश पांडे, भाजपा कार्यकर्ता कैलाश मौर्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।